असली स्ट्रगल यहाँ है भाई। सब प्लेट को सजा। गुड मॉर्निंग गाइस। बारिश तो वैसे स्टार्ट हो चुका है, होपफुली सब कुछ अच्छा हो। चलो हम भी उठ चुके हैं और अभी बज चुका है 8। बहुत जोर का बारिश हो रहा है, पूरा एकदम हवा वाला बारिश है ना, पैर वैर भीग गया इतना देर में मेरा। चलो अंदर चलते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक और नए दिन की शुरुआत में। तो मौसम हो गया है बरसात का और बज भी रहा है 8:30 से ज्यादा। तो हम सोच रहे हैं क्यों ना अपना नाश्ता बना ले गर्मा गर्म, जिसमें कि हम अंडा को बॉईल होने के लिए दे चुके हैं और साथ ही में क्या सोचे, हाँ 2 ब्रेड है मेरे पास। पहले तो सोचे थे कि ब्रेड का ही कुछ कर लेते हैं, लेकिन ब्रेड है बस 2, तो इसका बनाएंगे गार्लिक ब्रेड। थोड़ा एस्थेटिक सा प्लेट को सजा के नाश्ता बनाते हैं गर्मा गर्म। ऐसे सोचे थे हम पकौड़ी बनाने का, चाय के साथ पकौड़े, लेकिन अभी सुबह सुबह पकौड़ी कौन खाएगा बताइए। मौसम तो ऐसा हो गया, अभी बहुत जोर का बारिश हो रहा था, अभी बारिश थोड़ा खत्म हो चुका है। बाकी चलिए साथ मिलकर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। और वैसे मेरा प्लानिंग ये है कि इस वीकेंड जो 4 दिन का वीकेंड है मेरा, इस वीकेंड में ना हम भर भर के अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे और इसको हम करेंगे। और उसके साथ ही में आज सुबह सुबह हम एक चीज और सोचे हैं कि लगे हाथ वो जो एक साड़ी में पेंटिंग हम कर रहे थे, भाई हम क्या बोले, कितने टाइम के बाद हम साड़ी का पेंटिंग बोल रहे हैं। तो ये वाले साड़ी में जो हम करना स्टार्ट किए हुए थे, तो ट्राई करेंगे कि ये साड़ी में पेंटिंग हो जाए। भाई हम क्या बोले, हम सोचे थे कि यहाँ आए हैं ना तो बहुत सारा पेंटिंग करेंगे, बहुत सारा साड़ी कंप्लीट करेंगे। मम्मी भी बोल रही थी, तुम तो बोल रही थी कि तुम वहां जाने के बाद एक महीने में कम से कम 2 साड़ी में तो पेंटिंग कर देगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि टाइम नहीं मिलता यार, क्योंकि अभी पढ़ाई जरूरी है और साथ ही में यूट्यूब करो तो थोड़ा बहुत ना टाइम मैनेज नहीं हो पाता। जो भी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसमें कुछ ना कुछ करते रहते हैं, फिर पेंटिंग हो ही नहीं पाता। खैर जो भी होगा वो देख लेंगे। चलिए साथ मिलकर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। मेरे पास मैगी तो बस एक टूर सा बचा है, लेकिन हम उस दिन ना वाई रेडी टू ईट नूडल्स लेके आए थे, तो हम सोच रहे हैं इन दोनों को मिक्स करके बना देते हैं। और साथ ही में यहाँ बटर तैयार है। पता है अभी तक ना व्हाट्सएप ग्रुप में ना सबका डिस्कशन चल रहा है, कौन एग्जाम कब होगा, कौन एग्जाम कब होगा। भाई अभी 1, 2, 3 एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। अभी भी अकाउंट्स और जर्मन बचा हुआ है, पता नहीं कब होगा। ये जो 3 एग्जाम पोस्टपोन हुआ ना, वो अपना 6 के बाद हुआ। हम इतना खुश है ना, मेरे फेवर में भाई मजा ही आ गया। वैसे 29 को भी होता तो चलता, बट नैना लोग का ना ट्रेन था तो वो आगे बढ़ के चला गया 6 के बाद, तो वो दिक्कत नहीं। अभी है कि जर्मन और एक अकाउंट्स, इसका देखो कि कब होता है। तो चलो इस प्यारे से मौसम में प्यारे से ब्रेकफास्ट और कॉफी के साथ शुरुआत करते हैं, फिर हम लोग बैठेंगे पढ़ाई करने के लिए। कॉफी टेस्टी बनाए। I also want to try Maggi plus YY noodles. हम ना ये YY noodles ना ट्राई किए थे 5-6 क्लास में। मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल में, वो लाके देती, मतलब उसके भैया ना दार्जिलिंग में काम करते थे तो वहां से लाके देती, तभी उनको उसका नाम पता था। साथ ही बनाए हैं गार्लिक ब्रेड। वाओ, हम बेकरार बैठे हैं। चलो गाइस खाना पीना तो हो चुका है एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ HR का हमको मॉड्यूल 1, मतलब मेरा मॉड्यूल 1 का लगभग कंप्लीटेड है, तो जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं एंड फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग मॉड्यूल 2 से। तो चलो देखते हैं आज हम लोग कितना करते हैं। 1 बजे तक नॉन स्टॉप अभी हमको पढ़ाई करना है, उसके बाद फिर 1 बजे के बाद सोचेंगे लंच वंच में क्या करना है, क्योंकि उतने देर तक हमको भूख नहीं लगेगा। बाल धूल कैसे कैसे हुए अमेजोन स्टार्टेड फ्रॉम HR। ओबी का मॉड्यूल 2 का पहला और दूसरा टॉपिक तो मेरा कंप्लीट हो चुका एंड तीसरा क्या है, और इंट्रोडक्शन एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। चलो ये करने से पहले आई एम गोइंग टू टेक शावर, क्योंकि मेरा शकल थोड़ा सा गंदा गंदा लग रहा है और थोड़ा सा फ्रेश भी फील होगा। मेरे आंख में जो ये मस्सा हुआ था ना, इसका हम दवाई खा रहे थे, बट ना मेरा दवाई खो गया। अभी भागलपुर जाएंगे तो उसका दवाई वापस से लेके आएंगे। और चलिए अभी नहाने जाने से पहले ना मेरे रूम में थोड़ा कपड़ा इधर से उधर बिखरा पड़ा है, तो उसको हम लोग समेट देते हैं, फिर चलते हैं। नहा धुआ के गुड गर्ल बन गई हूँ मैं गाइस। अभी चलो थोड़ा स्किन केयर करके पूजा पाठ करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे मार्केट लंच बनाने का तैयारी करने के लिए, क्योंकि 1 बज ही चुका है। कल ही शैम्पू किया था तो आज बाल धोने का था ना, इसलिए फटाफट से नहा धुआ लिए। मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, अभी हम टेरेस पे आ गए। फिलहाल हम सोच रहे हैं आज के लंच में बनाते हैं चिकन चावल, काफी टाइम से बनाए भी नहीं है, फिर पूजा वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो चलते हैं, देखते हो मौसम कितना सुंदर लग रहा है। वाओ, कौन यहाँ टिकोला बिक रहा है भाई, टिकोला का सीजन है। हम यहाँ पे ये यहाँ मेरा शॉपिंग वॉक में तो हो गया, साथ ही मैंने हम कुछ तो खरीद लिया, कोई टर्टल चिप्स। भाई दिमाग फट गया मेरा, इतना झाल है। चावल वहाँ कुकर में चढ़ा चुके हैं और चलिए अभी चिकन को हम लोग मैरिनेट करते हैं और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करते हैं। चिकन में थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं दही, हल्दी, नमक, साथ ही में गया है इसमें काश्मीरी लाल मिर्चा और मिक्स मसाला के साथ इसको कर लेते हैं मिक्स। लहसुन, अदरक और हरा मिर्चा को इस तरह से हम लोग मूसल में कूट लेंगे। ऐसे तो अपने पास मिक्सी नहीं है, लेकिन इस तरह से कूटने के बाद ना टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। असली स्ट्रगल यहाँ है भाई, स्लैब पे इसको कूटते हैं ना तो पूरा घर हिलने लगता है मेरा। नेक्स्ट टारगेट है मेरा मिक्सी लेने का, बट अभी नहीं, हम ले लेते हैं। अगर मेरे पास आयरन नहीं होता ना तो मिक्सी लेते हैं, मिक्सी और आयरन का सेट हम देखें, बट अभी लेके कोई फायदा नहीं, आयरन ऑलरेडी है मेरे पास। से अदरक लहसन का पेस्ट लाना भूल गया था, तो मैरिनेट करने के टाइम में नहीं ऐड किए थे, तो यहाँ पे हम ऐड कर दिए कूट के, और साथ ही में हम मिर्ची पाउडर ऐड कर दिए और अभी जाएगा जीरा और धनिया, इसमें ही कूटेंगे। ये बड़ा काम में आ रहा है मेरे, पता है। कढ़ाई भी चढ़ा चुके हैं, अभी तेल गर्म होने वाला है, उसके बाद में ऐड करेंगे प्याज। प्याज से पहले जाएगा खड़ा गर्म मसाला। चलो चिकन में अभी ऐड कर लेते हैं हम लोग थोड़ा टमाटर और थोड़ा सा धनिया पत्ता। थोड़ा धनिया पत्ता वही रहने देते हैं और उसको कर लेते हैं मिक्स। हम अभी गए थे मार्केट तो आलू वगैरह भी लेके आए हैं, सबको समेटना है। नींबू ले आए 2 पैकेट, सत्तू वगैरह है ना वो पी के हम सोच रहे खत्म ही कर देंगे यहाँ से जाने से पहले, ताकि वहाँ से फ्रेश वाला सत्तू ले आए। चलो प्याज भी फ्राई हो ही गया है, चिकन को ऐड कर देते हैं। धनिया और जीरा को जो कूटे थे उसको भी यहीं पे ऐड कर देते हैं, साथ ही साथ फ्राई हो जाएगा। इससे क्या होता है ना, मसाला थिक होता है। घर पे मम्मी लोग जो बनाती है तो उसको पीस के बनाती है ना, तो मसाला भी थिक होता है। आँच को हम तेज इसलिए कर दिए ताकि पानी वगैरह निकले भी ना चिकन से, तो वो पानी सारा सूख जाए। पहले पता है मिर्ची खरीदते थे 2 रुपए का, 5 रुपए का ऐसे। यहाँ जब सब्जी लेते थे ना तो यहाँ सब्जी बहुत महंगा है एज कम्पेयर टू हमारे शहर, तो मामले में ना यहाँ बनता नहीं था। लेकिन जिस दिन नैना आई थी ना, तो नैना के साथ गए थे ना, वो चिकन वगैरह बनाने वाले थे सारा सामान लेने के लिए। तो सामान लेने के बाद ना वो बोली भैया मिर्ची नहीं थी, तभी सोचे कि चलो हम भी मिर्ची मांगते हैं, तो तब से हम मिर्ची मांग के ही जाते हैं, पैसा नहीं लगाते। क्यों एक्स्ट्रा पैसा लगाना, क्या आज देखो चावल कितना परफेक्ट बना है भाई। पानी का हमको अंदाज लगता है, कभी कभी गलती से लग जाता है। बाकी इधर चिकन में हल्का सा और मसाला ऐड किए, थोड़ा हल्दी ऐड किए और अभी आंच इसका एकदम लो कर दी। अब जरा सा पानी भी है तो कोई ना, आंच लो करके बस इसको पकाते रहिए। खुशबू बहुत टेस्टी आ रहा है और हमको लगा ना मेरा चिकन मसाला भी खत्म हो गया, लेकिन हम अपने स्टोर बॉक्स में ढूंढे तो पता चलता है कि चिकन मसाला का 2 पैकेट मिल गया है, तो इसको बाद में ऐड करेंगे। फिलहाल थोड़ा पकने देते हैं। तब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना, इंट्रोडक्शन एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अभी चिकन फ्राई हो चुका था, देखो थोड़ा थोड़ा साइड से तेल भी निकलने लगा है। इसमें हम ऐड किए थे अभी थोड़ा सा लाल मिर्ची और उसके साथ में गया था इसमें चिकन मसाला। तो ये अब लगभग बन चुका है, फ्राई भी हो गया, कढ़ाई से चिपकने लगा और तेल भी निकल गया। हल्का पानी ऐड कर देते हैं, उसके बाद फिर रेडी हो जाएगा थोड़ा देर। चलो गाइस 3 बजते मेरा लंच भी इधर तैयार है, फटाफट से लंच करते हैं क्योंकि भूख बहुत जोर का लगा है। ऐसे तो बहुत बार हम आप लोगों के साथ अपना चिकन का रेसिपी शेयर किए हैं, आप लोग मेरे तरीके से एक बार बना के भी ट्राई करना। पहले मैरिनेट करके उसके बाद बनाना, बाकी भी हम टेस्ट नहीं करेंगे, आप लोगों को बता दें क्योंकि हमको खुद पे भरोसा है। टेस्टी बनाए हुए, सब में बहुत टेस्टी है। नमक क्या परफेक्ट गया यार। उफ मम्मी, गरम गरम पिस्ता बहुत टेस्टी बनाया। गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम अपना ओबी का मॉड्यूल 2 कंप्लीट कर लिया। मॉड्यूल 1 में कंप्लीट देखिए, मतलब 4 टॉपिक, मतलब मैम जो स्टार्ट की थी मोटिवेशन तक, तो टोटल 4 टॉपिक मेरा कंप्लीट हो चुका है। और अभी हम लग चुके हैं अपने डिनर बनाने में। वैसे डिनर में कुछ बनाना नहीं है, चिकन जो बनाए थे दोपहर में काफी सारा चिकन बचा हुआ है और सोचे 2-3 को रोटी बना लेते हैं। आटा इधर हम गूंथ दिए, चावल बचा नहीं था, अगर थोड़ा सा चावल एक्स्ट्रा बना लिए रहते तो फिर काम हो ही जाता, फिर बनाने का नहीं रहता हमको। और चूड़ा वगैरह है नहीं, तो हम सोचे थे क्या कि वो चिकन के साथ चूड़ा खा लेंगे। डिनर बनाते हैं और उसके बाद मॉड्यूल 1 में हम स्टार्ट किए थे उसका भी 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आज मतलब ना मेरा पूरा दिन डेडिकेटेड हो गया बस ओबी का नोट्स बनाने का। तो ओबी मेरा लगभग हो चुका है, बट कल हम सोच रहे अकाउंट्स पढ़ेंगे, यानी तो मार्केटिंग इसका कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे करके 4 दिन है ना, 4 दिन में 4 से 5 सब्जेक्ट इसी तरह कंप्लीट करेंगे। एक एक दिन करके देंगे ना डेडिकेटेड, तो वो अच्छे से हो जाएगा, वो जल्दी से हो जाएगा। चलो फिलहाल पढ़ाई से ब्रेक लेके अपने डिनर पे लगते हैं। और कैमरा मेरा सेट नहीं हो पाया, हो गया सेट। इसको चिकन में क्या किया ना, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और ये अच्छे से बॉईल हो रहा है। नमक भी हल्का सा ऐड करना पड़ा। बाकी रोटी इतना मोटा मोटा बन गया ना, हम सोचे थे 2-3 रोटी बनाएंगे, 5 रोटी बन गया। 2 से ज्यादा मेरे से खाया नहीं जाएगा। अच्छा है, मेरे सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। नहीं तो हम पता है क्या सोचे थे सुबह बनाने का, सोचे थे ना सुबह में पैनकेक बनाएंगे, बट अब रोटी बन गया एक्स्ट्रा, तो रोटी ही बच गया, वही खा लेंगे सुबह में। और सोच रहे राजमा बनाने का दोपहर के टाइम में कल, तो फूलने के लिए देंगे। हम भूल जाते हैं इसलिए नीचे से निकाल के उसको ऊपर रख दिया। चलो उसको निकालते हैं, खाना पीना खाते हैं, क्योंकि 10 बज चुका है। और अभी देखते हैं बस रिवीजन वगैरह में क्या करने का, और हम अपना नोट्स दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। बारिश देखो ना फिर से स्टार्ट हो गया। ये रहा मेरा आज का नोट्स। अभी लास्ट टॉपिक था मेरा मोटिवेशन, जिसका इंट्रोडक्शन, नेचर, साथ ही में एप्लीकेशंस एंड इधर कॉम्प्लेक्सिटीज। इसको आज हम कंप्लीट करके ही जाएंगे सोने के लिए। साथ ही में मेरा जो हिसाब उसाब था वो सब लिख दिए। और हमको ऐसा फील हो रहा है कि हर मंथ के कंपेयर इस मंथ मेरा थोड़ा सा लिटिल बिट हिसाब कम आने वाला है। बाकी लेट्स सी क्या होता है, वो आप लोगों को मंथ के एंड में बताएंगे। अब मंथ के एंड में पता चलेगा ये बात कि मेरा हिसाब का क्या सीन है, कम है या बेसी है हर मंथ की तरह। बाकी अभी हम ये वाला बस टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चले जाएंगे सोने के लिए। और आप लोगों से मिलेंगे इसी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हम लोग फिर इसी तरह मिलते रहेंगे हर सुबह 8:30 बजे मेरे इस चैनल पे। और आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, और अपने दोस्ती और फैमिली के साथ शेयर भी कर दो।